सोनभद्र के जिला अस्पताल में अस्पताल कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित दो बच्चों का इलाज चल रहा है, जिन्हें हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। आज अस्पताल कर्मियों ने ब्लड का बैग बच्चों के हाथों में ही पकड़ा दिया और उन्हें ड्रिप भी नहीं लगाई। खुद उनकी मां ने उन्हें ब्लड की ड्रिप लगाई। पीड़ित बच्चों की मां का आरोप है कि स्थिति का सामना उन्हें अक्सर करना पड़ता है और वह खुद से ही ड्रिप लगा लेती हैं। इसके अलावा उन्हें ब्लड मिलने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि सिस्टर ही ड्रिप लगाती है। सोनभद्र जिला अस्पताल में आज अस्पताल कर्मी और डॉक्टरों की संवेदनहीनता देखने को मिली, जब ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आए दो बच्चों और उनकी मां को अस्पताल कर्मियों ने ड्रिप नहीं लगाई और बच्चों के ही हाथ में बैग पकड़ा दिया। पन्नूगंज के संडा गांव निवासी उज्ज्वल पांडे और अनमोल पांडे, दो बच्चे थैलेसीमिया नामक रोग से पीड़ित हैं और उन्हें हर 15 दिन बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है। आज जब वे ब्लड बैंक से ब्लड लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद नर्सों ने उन्हें ड्रिप लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्चों की मां ने उन्हें खुद से ड्रिप लगा दी। बच्चों की मां का आरोप है कि उन्हें अक्सर ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी वार्ड में तो कभी इमरजेंसी में भेजा जाता है। सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड मिलने में भी काफी समस्या होती है। वहीं दूसरी तरफ जब इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से पूछा गया कि बच्चों की मां को खुद से ही क्यों ब्लड की ड्रिप लगानी पड़ी तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अस्पताल कर्मी ही ब्लड की ड्रिप लगाते हैं। कंचन पांडे, क्या हुआ दोनों बच्चों आपके? ब्लड कैंसर थैलेसीमिया, जिसे ब्लड पानी हो जाता है दोनों बच्चों को। जिला अस्पताल से ब्लड बैंक से। अभी आप ब्लड लेके आ रही थी तो क्या ये लोग ब्लड लेके आके लगाते नहीं है? इमरजेंसी में मैं आज आई हूँ, संडे है, लेकिन मैं बोलती हूँ इमरजेंसी में तो कहते हैं कि हम ब्लड नहीं लगाएंगे, जाओ पीछे स्टाफ से बोलो। स्टाफ से बोलते हैं तो बोलती हैं कि हमारे पास कागज पत्र है, हम अभी व्यस्त हैं, आप खुद लगा लेती हैं तो हम आपको दे रहे हैं तो लगा लीजिए। तो कम से कम लगभग 6-7 बार से हम लगभग अपने हाथ से ही लगाते हैं। अच्छा। आती हूँ ब्लड लेकर, अपने हाथ से लगा देती हूँ, लगाकर फिर तुरंत चली जाती हूँ। इमरजेंसी वाले हाथ नहीं लगाते हैं, कहते हैं हम नहीं लगवाएंगे, हम लगाइबे नहीं करते हैं ब्लड। मना कर देते हैं, साफ कहते हैं कि हम ब्लड नहीं लगाते हैं, हम क्या करें, आप ब्लड लगवाइए चाहे मत लगवाइए, चढ़िए चाहे नहीं चढ़िए, हम लगाइबे नहीं करते हैं ब्लड, हम नहीं लगाएंगे, आप जाइए पीछे, नहीं तो जाइए आप किसी और से। कम से कम 6 महीने से अंदर, 6 महीने से हम परेशान हैं और ब्लड बैंक में ब्लड भी नहीं मिलता है। आज सुबह से मैं 10 बजे ऐसे आई हूँ, तब शाम को बोले ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है, रोने गाने लगी, तब फिर मुझे 3 बजे ब्लड मिला है। और 6 महीने से मैं ब्लड जब बार आती हूँ तब बार कहते हैं ब्लड नहीं है, ब्लड खत्म हो गया है, कहीं बी पॉजिटिव कहीं ओ पॉजिटिव, बहुत परेशानी होता लेने में। अभी रुक जाइए, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उनको ब्लड जो है खुद से मां लगा रही है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या ब्लड लगाने के लिए यहाँ कोई और नहीं है? क्या ब्लड खुद से लेकर बुलवा रहे हैं वार्ड से? नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लड जो है यहाँ से दिया जाता है और सिस्टर लगाती हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टर ने तो कह दिया कि आप जाकर खुद लगा लीजिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा। बच्चे रास्ते में लेके भी आ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं, हाथ में लेके आ रहे बच्चे, ऐसा नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।